हाय दोस्तों, अगेन वेलकम इन माय चैनल। जैसे कि आप सब लोग तो जानते हैं कि मैं हमेशा इस चैनल पर क्या है कि जो ट्रिक से रिलेटेड आपकी वीडियो रहती है नई, उनको हमेशा इस चैनल पर मैं पोस्ट करता रहता हूं। तो अभी क्या है कि अपन उसी में क्या है कि ट्रिक से रिलेटेड वीडियो तो हैं, उसके अलावा भी अपन क्या है कि और भी बहुत सारी वीडियो के बारे में बात करेंगे इस चैनल पर। तो अभी अपन बात करते हैं आज इस पर कि आपका क्या है, फ़ोन जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, हीटिंग ऑफ फ़ोन की अपन बात करेंगे। मतलब जैसे आपको फ़ोन हीट होता है तो अपन क्या है कि उससे हीटिंग को आप अपने फ़ोन पर कैसे अवॉइड कर सकते हैं। मतलब ऐसा क्या कर लें, आप फ़ोन में कौन सी सेटिंग करें या कैसे आपको फ़ोन को चलाना चाहिए कि मतलब आपका फ़ोन जो है तो हीट ना हो चलाते समय। तो चलिए अपन उसी से रिलेटेड आज बात करेंगे। तो अपन हीटिंग के लिए मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा। मतलब यदि आप ये 5 पॉइंट जो है उनको फॉलो कर लेते हैं, जो स्टेप है 5, तो आप उनको क्या है कि अपने फ़ोन पर क्या है कि हीटिंग को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप फ्री रैम एंड रैम स्पेस, जो तो पहला पॉइंट अपना ये है कि मतलब पहले आपको तो रैम और जो अपना स्पेस है, थोड़ा सा रैम और रोम जो होती है तो उसको क्या है कि अपन को थोड़ा सा फ्री रखना है फ़ोन पर। जैसे मान लीजिए आपकी रैम आपकी मान लीजिए 2 GB की, तो यदि आप उसको 1.5 GB यूज़ कर लेते हैं और 500 MB भी आप उसको फ्री रखते हैं तो आपका फ़ोन मतलब हीट ना होगा और स्मूथ ऑपरेशन उसका चलता रहेगा। और यदि आपकी रैम मतलब आप 500 MB से कम उसको स्पेस मतलब उसका कम रहता है, 500 MB से कम मतलब खाली रहता, तब फिर आपके फ़ोन में क्या है कि हीटिंग प्रॉब्लम आएगी, आपका फ़ोन अच्छे से काम नहीं करेगा और उसकी रैम क्या भर जाएगी, वो दिक्कत करेगा। इसके अलावा आप रोम यदि आपकी मान लीजिए 16 GB, तो आप उस पर 1-2 GB यदि आप खाली रखते हैं तो वो क्या है कि आपकी हेल्प करेगी, फ़ोन हीट नहीं होगा और आपका फ़ोन जो है तो स्मूथ ऑपरेशन उसका चलेगा। दूसरा पॉइंट है आपका गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी। मतलब आपका जो इंटरनेट है वो अच्छा कनेक्शन होना चाहिए इंटरनेट का। आपने देखा होगा बहुत बार कि जैसे आप मान लीजिए आपकी इंटरनेट अच्छे से नहीं आ रहा आपके फ़ोन पर, तो उस टाइम क्या है कि आप परेशान हो जाते हैं और आपका फ़ोन जो है तो ज़्यादा हीट होता है, आपने खुद देखा होगा। तो आपको क्या है कि पहली बात तो आपको फ़ोन हीट होने से बचाने के लिए एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। यदि आपका अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है तो आपको आप क्या है कि फ़ोन पर हीटिंग को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट के बाद अपन तीसरे पॉइंट पर बात करेंगे, उसका क्या है, बैकग्राउंड में ज़्यादा ऐप को ऑन मत रखें आप। मतलब तीसरा पॉइंट अपना जो है तो ये है कि आप बैकग्राउंड जैसे आप समझ रहे, मतलब जैसे मान लीजिए मैंने 2-4 ऐप खोल ली, उसके बाद मैंने उन ऐप को बंद नहीं किया और वो ऐप मेरी क्या बैकग्राउंड में चल रही हैं, तो आपको क्या है कि ऐसे नहीं करना, आपको उन ऐप को क्या है कि बंद कर देना है। मतलब जैसे आपकी बैकग्राउंड में ऐप चलती रहती है उससे क्या आपका डाटा भी एक्स्ट्रा जाता है और बैटरी आपकी लगती, तो वो ऐप क्या रनिंग में रहती है तो आपका सिस्टम जो तो उसमें भी बैटरी खाता और आपका फ़ोन ज़्यादा लोड रहता है तो क्या है फ़ोन हीट होता है। एक साथ आप 10 ऐप चला रहे हैं तो उसमें क्या है कि हीटिंग तो होगी ही फ़ोन में। तो इसीलिए आप क्या है कि जैसे आप मान लीजिए थोड़ा सा आप क्या करें कि बैकग्राउंड की जो एप्लीकेशन है उनको बंद करके रखें, जितनी आप जो एप्लीकेशन एट अ टाइम चला रहे हैं तो उसी को आप यूज करें अच्छे से। तो यदि आप बैकग्राउंड में ऐप को ज़्यादा ऑन करके नहीं रखेंगे तो आपको फ़ोन जो है तो हीट नहीं होगा। उसके अलावा 4th पॉइंट पर बात करेंगे, एवॉइड कंटिन्यू ऑपरेशन ऑफ मोबाइल। मतलब आप यदि कंटिन्यू अपना फ़ोन चला रहे हैं, मान लीजिए 1-2 घंटे हो गए, तो आप क्या है लगातार जब आप फ़ोन ज़्यादा चलाते हैं तो क्या है कि आपका कोई भी सिस्टम है, मान लीजिए वो भी फ़ोन है तो उस पर भी एक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, तो वो भी क्या है कि हीट होने लगती है, उसके अंदर भी जो पार्ट रहते हैं। अपन क्या है कि ज़्यादा देर तक चलाते हैं फ़ोन तो ज़्यादा चलाने से हीट तो होगा ही। तो इसीलिए क्या है कि जैसे आप मान लीजिए 1 घंटे लगातार फ़ोन चला लिए, मान लीजिए अधिकतम 2 घंटे आपने चला लिया, तो उसके बाद क्या है कि आप थोड़ा सा उसको रेस्ट दीजिए, 5 मिनट के लिए बंद आराम से बंद करिए, फिर उसके बाद अल्टीमेट कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि मतलब आपको कंटिन्यू फ़ोन अपना जो है चलाना नहीं है ज़्यादा। मतलब आप क्या है कि थोड़ा सा फ़ोन रुक रुक कर चला, मान लीजिए 2 घंटे आपने चला लिया तो उसके बाद आप 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, तो आपका क्या है कि फ़ोन जो सिस्टम भी थोड़ा सा रेस्ट होगा और वो क्या है कि आपका फ़ोन जो है तो हीटिंग नहीं होगा। अपन लास्ट और 5वें पॉइंट की बात करेंगे, उस पर क्या है कि नॉट प्ले हैवी गेम ऑन मोबाइल फ़ोन। मतलब आप क्या है कि यदि हैवी गेम खेलते हैं, जैसे कोई भी गेम आपने 1-2 GB के डाउनलोड कर लिया मान लीजिए अपने फ़ोन पर और आप उसको कंटिन्यू खेल रहे हैं इंटरनेट से चालू करके अपने फ़ोन पर, तो आपका फ़ोन ऑब्वियस है कि वो हीट ज़रूर होगा। तो इसीलिए क्या है कि आप अपने फ़ोन को बचाने के लिए क्या है कि आप एक तो हैवी गेम मत डाउनलोड करिए, यदि आपने डाउनलोड कर लिया तो उसको कंटिन्यू ना खेलें, गेम को थोड़ा खेलें फिर बंद करें, फिर आप कंटिन्यू खेल रहे हैं मान लीजिए 1 घंटे हो गया 2 घंटे हो गया तो आपका फ़ोन जो है तो का हीट तो होना ही है उसको। तो पहली बार तो ये अवॉइड करें कि आपको गेम डाउनलोड ही नहीं करना हैवी गेम, उसके बाद यदि आप डाउनलोड भी कर लेते हैं तो उसको कम से कम खेलने का प्रयास करना आपको अपने फ़ोन पर।
तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कैसे आप अपने ही फ़ोन पर हीटिंग को अवॉइड कर सकते हैं और अपने फ़ोन को सेफली कैसे चला सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और यदि अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हैं। बाकी ये और आप मेरे को सपोर्ट करने के लिए या इस तरह की ट्रिक्स से रिलेटेड नई नई वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।